आधारभूत संरचना और यातायात के व्यापक विस्तार, विकास और प्रगति शिखर की ओर यात्रा, यह है सपना हमारे देश के अग्रणी प्रधानमंत्री और एक प्रगतिशील नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके सबल नेतृत्व में संपूर्ण देश के साथ असम और उत्तर पूर्वांचल ने प्रारंभ की है विकास की एक सफल यात्रा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। असम तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धौला खडिया और बोगीबिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। माँ कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ अनुमानित की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत 297 करोड़ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृतकाल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंड्रापुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1,000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबाड़ी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और बिश्वनाथ से गोहपुर तक का 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 करोड़ है। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया।